आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। रामगढ़ जिले के पतरातू में आज विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को स्थायी नौकरी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 2013 के तहत मुआवजा पुनर्वास आदि मांगों को लेकर शहीद निर्मल महतो स्मारक के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 2 सितंबर से करने का निर्णय लिया गया है। वहीं अगर 2 दिनों में मांग पूरी नहीं होती है तो 4 तारीख से जाम नाकाबंदी की जाएगी। धरना प्रदर्शन को आजसू पार्टी द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय महासचिव सह बड़का गांव प्रभारी रोशन लाल चौधरी ने कहा कि शुरू से ही आजसू पार्टी विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के साथ रही है। कई बार प्रबंधन के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन संघर्ष मोर्चा को ठगने का कार्य किया गया है। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। पूरे दमखम के साथ आजसू पार्टी विस्थापित का साथ देगी। झारखंड के रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा पतरातू के द्वारा आयोजित 2 सितंबर से जो आंदोलन की घोषणा की गई है आजसू पार्टी की ओर से, उस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करने की घोषणा करती है, क्योंकि शुरू से ही आजसू पार्टी विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के साथ रही है। कई बार प्रबंधन के साथ वार्ता भी हुआ, लेकिन प्रबंधन हमेशा संघर्ष मोर्चा को ठगने का काम की है, लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के इस आंदोलन को पूरे दमखम के साथ आजसू पार्टी साथ देगी, और हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर विस्थापितों के मांग का समर्थन करें और आंदोलन को सफल बनाएं।